इंडियन सीडीसी जिसे कहते हैं, भारतीय भारतीय नौसेना के लिए है ये, नौसेना 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 भी सीडीसी लेके जहाज पे जाती है अपने, समझ रहे हैं, नौ सैनिकों को भी सीडीसी चाहिए होती है, ऐसा इसको लगता है। तो जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ ही लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं नाविक रुद्रा और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एक लोलू ललित को देखेंगे, एक बहुत ही महान व्यक्ति की वीडियो को देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन तरह के लोगों से बचे रहिए। कौन है ये लोग? देखिए, मुझे इस चीज का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो और एक पहली बात मैं बता दूं कि ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं, किसी को नीचा दिखाना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आप जो इतने लोग, कम से कम जो मेरे व्यूअर्स हैं, एटलीस्ट उनको ये पता चले कि कोई भी चीज यूट्यूब पे आप देख के उस पर तुरंत विश्वास ना कर लें, एक कॉमन सेंस यूज करिए, किसकी बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, कितनी सुननी चाहिए, ये आज का टॉपिक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो वेलकम बैक गाइस। तो यही है वो दिल्ली वाले भैया जो कि आज हमें बताएंगे कि ओपन सीडीसी निकाल के कैसे हम ज्वाइन करें और कैसे बहुत सारा पैसा बनाएं। ठीक है, एकदम सही शब्दों में इन्होंने समझा दिया है, और बस देखिए क्या क्या बातें करते हैं। ये इनका पेज है, इस पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं जो आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, डोंट मिसगाइड यूथ बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, देयर आर सो मेनी अनएम्प्लॉयड यूथ, प्लीज़ इम्पार्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे नीचे, फिर यू आर मिसगाइडिंग द यंग पीपल, डोंट हैव मच नॉलेज रिगार्डिंग दिस फील्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर नीचे आइए, फिर लिखा हुआ है, कुछ भी मत बोलो भाई, डोंट गिव वरीज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, डोंट गिव होप टू पीपल एंड NYK। तो चलिए इसकी वीडियो को थोड़ा देखते हैं ना। तो इसके ना कुछ वीडियो के मैंने क्लिप्स निकाल रखे हैं, ठीक है, तो चलिए देखते कि क्या बोल रहा है ये बंदा। कि जो ओपन सीडीसी है, जो कि आजकल एक नया रिक्रूटमेंट का, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, तो ओपन सीडीसी है वो आजकल का नया रिक्रूटमेंट का तरीका है, ठीक है। तो एक बात मैं बता दूं, मैंने 15 साल पहले जीपी रेटिंग की थी, 80,000 से भी कम, 70-75,000 रुपये लगे थे, एक्चुअली कुछ मुझसे ज़्यादा ही पैसे ले लिए थे, तभी भी उस समय 70,000 की फ़ीस थी, और ओपन सीडीसी तब भी निकलती थी, ठीक है। ओपन सीडीसी तो बहुत पहले से निकल रही है, बीच बीच में जब फ्लडिंग ज़्यादा हो जाता है तो उसको रोक देते हैं। तो ये खुद एक्चुअली एक आध जहाज करके बंदा अभी होटल में बैठा हुआ है, ज्वाइनिंग करने वाला है, और वो यहाँ से ज्ञान दे रहा है हमें। तो ज्ञान तो दे रहा है, अच्छी बात है, बट गलत ज्ञान ना दे देना। अब उसकी वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा, 1,00,000 से ज़्यादा व्यू है, यानी 1,00,000 लोगों में से अगर मुझे पहले से पता ही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तब तो शायद मैं ऐसी वीडियो देख ही नहीं रहा हूँ। तो 1,00,000 में से ज़्यादातर तो वही लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है कि ओपन सीडीसी होती क्या है, है कि नहीं। और ये बंदे ने बताया कि अभी अभी ये नया तरीका निकला है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। इंडियन सीडीसी जिसे कहते हैं, भारतीय भारतीय नौसेना के लिए है ये, नौसेना 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 भी सीडीसी लेके जहाज पे जाती है अपने, समझ रहे हैं, नौसैनिकों को भी सीडीसी चाहिए होती है, ऐसा इसको लगता है। तो मुझे लगता है इसके दोस्तों में ना काफी सारे नौसैनिक हैं। वाह वाह, इसकी पट्टियों को सलाम, सलाम तेरी पट्टियों को भाई। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे पास ये मार्शल आइलैंड का सीडीसी। वाह, मार्शल आइलैंड की भी सीडीसी है, इसके पास कई सारी सीडीसी हैं। अगर इसकी पूरी वीडियो देखोगे ना तो आप हंसते हंसते मर जाओगे, अगर आपने अभी तक में थोड़ी भी नॉलेज एक्वायर कर ली होगी तो बस इसकी वीडियो देखो, हंसते हंसते जान निकल जाएगी। कोई बात नहीं, मार्शल आइलैंड की सीडीसी है इसके पास, जो कि ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, आप अलग अलग कंट्री जाते हैं, ये एक्चुअली कराना क्या चाहता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है ना, वो इस वीडियो में ही कराना चाहता है, ताकि
आप अगर ब्लू देख रहे हो उसकी सीडीसी को, तो वो बता रहा है कि ये ग्रीन है। अलग अलग कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको अलग अलग सीडीसी की रिक्वायरमेंट होती है। ओ माय गॉड, तो कह रहा है कि अलग अलग कंट्रीज में जब आप जाते हो तो आपको अलग अलग सीडीसी चाहिए होती हैं। तो यानी मैं अभी तक, अभी क्या बताऊँ, पिछले जहाज पे 14 कंट्रीज पे गया था, जो मेरा पिछला केमिकल शिप था, 14 देशों में गया था, 14 सीडीसी मेरे पास होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एक ही सीडीसी अपने इंडियन सीडीसी के बल पे आज तक मैं 40 देशों में जा चुका हूँ। 40 सीडीसीज, तो अब मैं क्या बताऊँ इसको, अब बोल रहा है बंदा तो कन्फ्यूजन का मास्टर है, ये खुद कंफ्यूज है और दूसरों लोगों में ये जो बीमारी है वो फैलाना चाहता है। थैंक्स भाई, और आगे बढ़, बता कुछ। हम, ये है हमारा इंडियन सीडीसी, यस, कहते हैं भारतीय नौसेना के लिए है, ये नौसेना के लिए है, ठीक है ना, वो हमारे लिए नहीं है, एक्चुअली नौसैनिकों के लिए है। तो सही बताया तूने। तो आप ये अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आपको बिना कोर्स किए, बिना कोर्स किए, उसको बोलते हैं ओपन सीडीसी। बिना कोर्स किए मिलता है तो ओपन सीडीसी कहते हैं। आगे देखते हैं क्या बोलता है ये। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अब भी तो बोला था भाई कोर्स नहीं करना पड़ता, अभी कह रहे हो कि कुछ कोर्स करने पड़ते हैं, कुछ कुछ तो आयरन की कमी है जो तेरा विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर तेरा प्रॉपर विकास हुआ होता ना तो तू ऐसी बातें नहीं करता। ठीक है, या बादाम खाने की ज़रूरत है, इसकी याददाश्त जो है बहुत जल्दी चली जा रही है। ठीक है, अभी इसने कहा कि नहीं कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, फिर कह रहा है कि नहीं कोर्स करना पड़ता है, वही कोर्स अभी बताएगा। देखते क्या क्या कह रहा है। क्या तो आप कौन कौन सा कोर्स करेंगे बताओ, ओपन सिटी से आपको जॉब क्या करना होगा, तो ये कोर्स क्या करना पड़ेगा उसने बताया STCW, आप वीडियोस में जाके देखिएगा इसका। फिर क्या कह रहा है, कोर्स करेंगे ओपन सिटी से आपको जॉब क्या करना होगा, आपका प्रोफाइल क्या करना पड़ेगा। तो भाई साहब, आपका भाई साहब प्रोफाइल तो बड़ी तगड़ा होगा। अरे बाप रे, बहुत तगड़ा होगा, ओपन सीडीसी करके जा रहे हो, सबसे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट रैंक पे जा रहे हो, लेकिन प्रोफाइल बहुत तगड़ा होगा। जी 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 जी, जैसे एक कैडेट का होता है, बहुत प्रोफाइल तगड़ा होता है। कुछ काम जो है ना आज के डेट में, एक भी जहां भी थोड़ी सी सेफ्टी की बात आती है, भटकने भी नहीं देते, दूर रखते हैं। वैसे ही अभी प्रोफाइल बहुत तगड़ा होगा आपका। आपको आपको एक तरह का पहले तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको पहले तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको गोल्ड मेडल मिलेगा कि आप जहाज पे आए। मैं इसकी दाद देता हूँ कि अगर इसने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होती तो कोई इशू नहीं था मुझे, तो इसके कमेंट्स जाके आप पढ़ोगे ना तो हंसते हंसते मर जाओगे। ठीक है, बहुत ही सही, सर सर आई एम इंटरेस्टेड, ये वो। अब 1,00,000 व्यूज है यार, कम ऑन। एंड आप जब देखोगे इस पे लाइक जो है 6.7K हो चुका है। ठीक है, तो आप अब समझो 6.7K लोग तो कम से कम बेवकूफ बन चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। आप उनमें से ना हो, यही मेरा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और कमेंट में जाके अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो जय हिंद तो लिख ही देना। और अगर आपको ऐसी ही कोई और वीडियो चाहिए, क्योंकि एक बंदा मेरे रेडार में है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी, नाम क्या लेना है कि नहीं, तो ज्ञान दे रहा है, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताना, उसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाके बिल्कुल बताना। तो वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।